भी दिया था। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सर अच्छी चल रही है। क्या कर रहे हो, कितने टाइम तक पढ़ रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो पढ़ाई में दिन में? सर अभी 1.5 घंटा सारे तीनों सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूँ, 1.5 घंटा। चलो ठीक है, गुड। ठीक है अभी माइक ऑफ करो। यस सर। अजय, अजय सिंह तोमर, यस अजय सर। माइक ऑन करो। हाँ अजय तुम बताओ कैसी चल रही पढ़ाई तुम्हारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही, कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में दिन में? कोचिंग सॉरी कोचिंग के अलावा थोड़ा 1-1 घंटा पढ़ लेते। बस अजय बढ़ाना होगा हमें टाइम, समझ रहे हो? अभी चीजें सिंपल चल रही हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो टाइम लिमिट मैं चाहूंगा कि तुम एक दिन में कम से कम 8 आवर्स का तो रखो ही रखो सेल्फ स्टडी, तभी हैबिट बन पाएगी, ठीक है? क्योंकि तुम्हें 3 घंटे के पेपर देने हैं। अगर तुम जैसे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें 3 घंटे के 2 पेपर देने होंगे, इस चीज को समझना है, समझ रहे हो? तो स्टडी लिमिट कम से कम 8 घंटे की तो होनी चाहिए एक दिन में। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम जहां से हमने छोड़ा था। राजे अभी माइक ऑफ कर लो। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था कि 1+x^n का जो एक्सपेंशन था, कौन सा एक्सपेंशन था? बायनोमियल एक्सपेंशन। यानी हम ये बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं और यहां पर हमने 1+x^n का एक्सपेंशन देखा, तो क्या आया था? ये आया था 1+nx+n(n-1)/2, ये x² हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ तो n(n-1)(n-2) / नीचे आएगा 3 और यहां आ जाएगा x³। और ऐसे कितने टर्म्स चलते जाएंगे? इन्फिनिटी टर्म्स चलते जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये एक्सपेंशन था 1+x^n का। और इसमें जो कंडीशंस थी कि भाई कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो कंडीशंस फॉर दिस एक्सपेंशन n जो था वो इज एनी, n इज एनी रियल नंबर, ठीक है? पॉजिटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए? रियल नंबर, ठीक है? और जो एक्स है, वो हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस तुम्हें इस एक्सपेंशन के लिए याद रखनी होगी, ठीक है? तो एक्स जो है, अगर मैं उसकी लिमिट लिखता हूं तो -1 से 1 के बीच में, ठीक है? तब जाकर हम 1+x^n को ये लिख पाएंगे, ठीक है? तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, अब हम ये देखेंगे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा है क्या मैग्नीट्यूड एक्स का, देन देन तो माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है। तो देखो, देन 1+x^n को हम कितना लिख सकते हैं? नियरली, नियरली का साइन लगा रहा हूं एक। देखो अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो ये जो टर्म्स बन रही है तुम्हारी x² x³ और एक आगे जाके x^4 बनेगी, तो ये टर्म्स छोटी होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी? और छोटी होती जाएंगी, क्योंकि 0.1 और 0.1 का होल स्क्वायर, ये दोनों लेस देन 1 है देखो, तो 0.1 का होल स्क्वायर और छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? 0.1 के कंपैरिजन। तो हम ये जो टर्म्स है x² x³ तो ये काफी छोटी हो जाएंगी कंपेयर टू एक्स, तो हम इसको नियरली कितना रख सकते हैं? 1+nx। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x² x³
ये सारी चीजें जो है वो क्या हो चुकी हैं, निगलिजिबल हो चुकी हैं इन कंपेयर टू एक्स, इन कंपेयर टू एक्स। क्यों हो चुकी है? क्योंकि बिकॉज, मैं यहां लिखवा देता हूं, बिकॉज एक्स जो है, बिकॉज जो एक्स है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या है, लेस देन वन। हाँ बोलो सर। मैं पारुल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आप प्लीज रिपीट कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से समरी दे दूंगा। हमने ये पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम और उसमें हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सटेंशन। और यहाँ पर हम बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बोला था। बिल्कुल, फॉर एनी इंडेक्स। फॉर एनी इंडेक्स का क्या मतलब है? इंडेक्स का मतलब है एन, एन। ओके सर, समझ रहे हो? और एन जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी रियल नंबर, यानी इसका जो इंडेक्स है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सटेंशन हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड है एक्स का, अगर वो वन से काफी कम हुआ तो हम वन प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, नियरली वन प्लस एन एक्स। ठीक है, ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले जो टर्म्स होंगे वो काफी छोटे हो जाएंगे इन कंपेयर टू एक्स। ठीक है, चलो तो ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि हम इस चीज को ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं चाहूं तो देखो, वन प्लस एक्स की पावर अगर माइनस एन होता, माइनस एन, तो देखो ये क्या बन जाता, नियरली इक्वल टू वन माइनस एन एक्स, वन माइनस एन एक्स। मतलब क्या हो रहा है, जिस पावर है ये आगे जाके क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अगर x काफी छोटा है एज कंपेयर टू वन, तो ये जो पावर है ये कहां आ जाती है, x के आगे आ जाती है। नोट करो जल्दी से, जैसे ही हो जाए मुझे कमेंट करो या फिर माइक ऑन करके बताओ कि सर हो गया है। मैं चाहूंगा सब लोग कमेंट करना सीखें, अब तक तो आई गया होगा, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन ये एक्सटेंशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हो गया बहुत से लोगों का, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये था हमारे पास बी पार्ट तक। सिमिलरली अगर मैं और भी लिखना चाहूं तो देखो, मैं सी इधर लिख रहा हूं, सी अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर प्लस एन लिखता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर एन, तो ये चीज मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 1 माइनस एन एक्स। और अगर मैं यहां लिखता हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ऑफ माइनस एन एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। यानी कुछ नहीं है, पावर सिर्फ आगे जाके मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये था कुछ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, फॉर एनी इंडेक्स, जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम इस पर क्वेश्चंस करें, टेक इट एज द एग्जांपल, जैसे मुझसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए, एस्टीमेट एस्टीमेट द एप्रोक्सीमेट वैल्यू, एस्टीमेट द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1001 to the power 1 by 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स, हम 1001 को क्या लिख सकते हैं, 1000 plus 1, समझ रहे, या फिर 1 plus 1000, इसकी पावर कितनी हो गई, 1 by 3। अच्छा, अब अगर देखो यहां से मुझे ये कंडीशन लगानी है फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स के लिए मुझे क्या करना होगा,
मुझे वन के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी है उसको काफी छोटा करना होगा एज कंपेयर टू वन, तो मैं क्या करूंगा 1000 को बाहर ले लूंगा, 1000 की पावर 1/3 बाहर आएगी, तो अंदर क्या बचेगा 1/1000+1 और इसकी पावर 1/3। सोच लो जरा, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज जो है कंपेयर देखो, ये चीज क्या बन गई, ये तो 10 हो गया सीधे, दिस इज इक्वल टू 10, और ये चीज बनेगी 1/1000 की पावर 1/3। तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं बाय जरा देखो, या फिर सिर्फ इतने इतने को कंपेयर करो, कंपेयर 1/1000 की पावर 1/3 बाय 1+x की पावर n, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो इस चीज को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा x कितना है 1/1000, और जो कि काफी छोटा है किससे, 1 से। सो हम 1/1000 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 1/1/3 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/1000। ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, जैसा कि इसमें होता है पावर आगे आ जाती है, कब आती है जब x काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू 1। यहां पर भी 1/1000 काफी छोटा है एज कंपेयर टू 1, इसलिए पावर आगे आ जाएगी। तो ये बन गया, तो अगर ये बन गया तो अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास एक 10 तो था ही, सो 1001 की पावर 1/3 को हमने क्या लिख लिया था, 10 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/1/3 इंटू 1/1000, और यहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 10+1/300, 10+1/300। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है सारी, और तो कितना हो जाएगा 10+1/300, ये हो जाएगा 10+0.0, देखो 1/3 कितना होता है 0.33, तो ये 0.033, ठीक है। तो कितना आएगा नियरली, आंसर नियरली आ जाएगा 10.0033। तो ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1001 की पावर 1/3 कितना हो गया 10.0033। नोट डाउन करो, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, जैसे ही हो जाए डन करके भेजो कमेंट, और कोई डाउट है तो डाउट पूछो। चलो वेरी गुड पारुल, चलो तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन है देखो, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g या g डैश, ठीक है, फाइंड या ऑप्टेन
obtain an expression which gives approximate value of g dash at height given h is greater than r and mass of the earth jo leni hai aapko, that is mass of earth me and radius of the earth jo lena hai wo lena hai re. ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम जी डैश की वैल्यू देखें, देखो गिवन और क्या है, हमें गिवन है जी डैश क्या है, ये दिया हुआ है जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. इसका मतलब है कि अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर ई, और यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, ये है डिस्टेंस एच. तो यहां पर अगर हम ग्रेविटी मेजर करें तो वो है जी डैश. तो जी डैश का एक्सप्रेशन ये है. अब मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है, सो फॉर द अप्रोक्सीमेशन देखो सॉल्यूशन क्या है. फॉर द अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि जो एच है वो काफी बड़ा है आर से, एच जो है वो काफी बड़ा है आर से, तो हम इस जी डैश को कैसे लिख सकते हैं, जी डैश जी एम ई अपॉन आर बाहर ले रहा हूं, आर नीचे से बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर. तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये हमारा आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच रहा है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा वन प्लस एच अपॉन आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ये बचा. ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, वन प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर को ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये ऊपर जाके बनेगा क्या, वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू, आर ई की पावर माइनस. तो अब जरा देखो ध्यान से देखो, ये वही चीज बन रही है, ये जो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू है, तो देखो जरा 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू, इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एच जो है वो काफी छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू आर, एच जो है वो काफी छोटा है कंपेयर टू आर. तो देखो जरा, ये जो टर्म होगा, ये वाला जो टर्म, अगर एच बहुत छोटा है आर ई से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन वन, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई. सो जो जी डैश बन रहा है हमारा, जो जी डैश बन रहा है जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई. इसका मतलब है कि जब हम बायनोमियल लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल, तो हमें ये टर्म बनाना पड़ता है, कौन सा वाला, 1 प्लस x की पावर n वाला, और जिसमें x क्या होना चाहिए, लेस देन वन, तभी ये पावर जो है वो आगे आ पाती है. तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले जो आर ई है उसको हमने बाहर ले लिया, जिससे कि ये एच अपॉन आर ई बन गया और काफी छोटा हो गया एज कम्पेयर टू वन, फिर हमने बायनोमियल लगाया, देन ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. नोट करो इसको जल्दी से पूरे क्वेश्चन को, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है. सर आपने क्या किया है वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाई क्यों है? बायनोमियल थ्योरम इसलिए लगाई क्योंकि हमसे पूछा क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन विच गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी डैश. तो अप्रोक्सीमेट लगाने के लिए, निकालने के लिए हमने बायनोमियल का यूज कर लिया, समझ रहे हो इस चीज को?
बायनोमियल थ्योरम क्या देती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, आगे की चीजें निग्लेक्ट करके सिर्फ दो टर्म्स लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए बायनोमियल लगाया क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थे। जैसे 1001 की पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी तो हमने बायनोमियल लगा दी, जिसमें हमने सिर्फ 1+nx का टर्म लिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने बायनोमियल लगाई और सिर्फ 1+nx वाला टर्म लिया, इसके आगे के टर्म्स हटा दिए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर समझ में नहीं आया। कहाँ पर? कुछ भी नहीं सर, कुछ? ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये जो आपने किया है वो समझ में आ रहा है, लेकिन बायनोमियल का यहाँ पे यूज समझ में नहीं आ रहा है। बायनोमियल का यूज इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई, समझ रहे हो, और हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है गिवन, तो जब आपसे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई कि बताइए जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी अगर एच काफी बड़ा है आर से, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरीके से आएगी। कैसे आएगी? ये जो टर्म था नीचे वाला आर प्लस एच का होल स्क्वायर वाला, इसको तुम बायनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए पहले वो वाला फॉर्म तो बना लो, 1+xt होल पावर n वाला। तो वो फॉर्म कैसे बनाया? आर ई को कॉमन लेके, तो ये बन गया 1+x की पावर 2 वाला फॉर्म। अब x जो है वो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू 1। लिया था कॉमन, h को बाहर ले लेते तो क्योंकि क्योंकि तुम्हें जब तुम बायनोमियल लगाते हो तो x क्या बनाते हो? बहुत less than 1 बनाते हो, समझ रहे हो? अगर मैं एच को बाहर लेता तो आर ई अपॉन एच आता, आर ई अपॉन एच क्या हो जाता? उल्टा हो जाता, तो फिर हम बायनोमियल नहीं लगा पाते। बायनोमियल लगाने के लिए हमें ये वाला फॉर्म बनाना पड़ता है। सर सर गिवन एक्सप्रेशन और जो हमें हम जो एक्सप्रेशन लाए हैं उसमें क्या डिफरेंस है? ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा किसी भी हाइट पर और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। बायनोमियल लगाते ही अप्रोक्सीमेशन के लिए, कि जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। सर जब एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर कोई स्क्वायर सॉल्व नहीं करना है, और स्क्वायर सॉल्व करना काफी कठिन होता है एज कम्पेयर टू विदाउट स्क्वायर। तो हमारा अगर काम चल जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू से तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए ये यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? एलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हो। कंप्यूटर नहीं हो, कंप्यूटर होते तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ही लेते, और चूंकि हम एक इंसान है तो हम कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करेंगे, और बचने के लिए तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन तभी, हाँ बोलो, हमें इसमें एच less than r दे रखा है। हाँ बिल्कुल, अगर हमें r जो है मतलब h जो है greater than r दिया होता तो हम h को बाहर निकालते। अगर h हमें बड़ा दे देता r से तो h को बाहर निकाल देते। ओके, तो सर जो छोटा होगा हम उसको बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, देखो जरा ध्यान से, तुम्हें कौन सा टर्म बनाना है? तुम्हें 1+x की पावर n का टर्म बनाना है, और x यहाँ पर क्या चाहिए? less than 1। तो ये तभी आ सकता है जब तुम ऊपर वाला स्मॉल रखो और नीचे वाला लार्ज, समझ रहे हो? तो जो बड़ा होता है उसको तुम बाहर ले लेते हो, जिससे कि नीचे वाला लार्ज बन जाता है और बाहर आ जाता है लार्ज, ठीक है? ओके सर, चलो। तो देखो है बहुत काम की चीज, पर ये अभी यूज नहीं होगी फिलहाल के लिए, समझ रहे हो? ये आगे यूज होगी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये फॉर्म बनाना आना चाहिए और फिर बायनोमियल लगाना आना चाहिए। फॉर्म बनाने के लिए ध्यान रखना कि लार्ज क्वांटिटी हमेशा बाहर लो, जिससे कि स्मॉल अपॉन लार्ज का फॉर्म बने और फिर तुम अप्रोक्सीमेशन लगा सको। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन बहुत सफिशियंट रहेगा। अगर आपने ये कर लिया तो
इसका मतलब है कि आप सीख चुके हो, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें, एनर्जी दी हुई है, मतलब ई दिया हुआ है कुछ के टाइम्स, और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस डेल्टा थीटा बाय थीटा नॉट की पावर 4 और ये -1, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दी हुई है वेयर डेल्टा थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो मैं ऑप्शन देता हूं, ठीक है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करो। ऑप्शन देता हूं E इक्वल टू के इंटू 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है के इंटू 1 प्लस 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, ठीक है। सी ऑप्शन है E इक्वल टू के इंटू 1 प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। करो जल्दी, कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से बताओ। सर फर्स्ट आ रहा है, चलो देखते हैं, सभी लोग कर ले, लास्ट 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। किसने आंसर दिया अभी? सर अभिषेक, चलो वेरी गुड, देखते हैं। कमेंट करेंगे सभी लोग, अनुज आर्यन, सिंपल है, बाइनोमियल कहां लग सकती है यहां पर? तुम्हें क्या पता है, तुम्हें बस ये पता है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1। तो ये वाला फॉर्म कहां दिख रहा है बनता हुआ? ये दिख रहा है तुम्हें यहां पर, ये दिख रहा है यहां पर। और इस चीज को मैं अगर देखूं तो देखो डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, डेल्टा थीटा काफी छोटा है थीटा नॉट से, तो देखो जरा इफ डेल्टा थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, सो डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट इज लेस देन 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डेल्टा थीटा बाय थीटा नॉट, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो अगर हम E को बराबर लिखे, देखो सो देन E इक्वल टू क्या आ गया, के इसको क्या लिख लिया पूरे को 1 प्लस 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, और हमारे पास एक -1 भी था यहां पर, तो ये -1, हाँ, तो ये 1 से -1 गया और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई के इंटू 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, दिस इज द आंसर। सो ए इज द आंसर, तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आया और ये अप्रोक्सीमेशन तुम्हें दिया हुआ था, तो तुमने क्या लगाई, बाइनोमियल लगाई, जिससे कि कैलकुलेशन, देखो इतना कठिन एक्सप्रेशन कितना छोटा सा बन गया, सिंपल सा, तो इसलिए यूज होती है बाइनोमियल, कठिन चीजों को सिंपल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एप्रोक्सीमेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकेंड। चलो अभिषेक को आ गया समझ में, अनुज माइक ऑन करो, अनुज। यस सर। अनुज क्लियर हुआ है ये? हाँ सर हो गया क्लियर। चलो वेरी गुड, लिख लो।
इससे पहले का क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा इसके पहले का नहीं हुआ, अच्छा ये हो गया। यस सर। चलो ठीक है, चलो अभी देखेंगे हम। तो इसके पहले का क्वेश्चन अब करना जरा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा दोबारा। चलो ये हटा रहा हूं अब मैं। फिलहाल के लिए बाइनोमियल का ज्यादा यूज नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बुक्स पढ़ो, ठीक है? तो हम इनको डेली देखते जाएंगे। अच्छा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। अभिषेक माइक ऑन करो। नो सर। हमने ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा तुमने बहुत थोड़ी बहुत पढ़ रखी है टेंथ में, सभी लोगों ने थोड़ा बहुत साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये जानते हैं। ओके चलो, तो वैसे भी मैं जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और बिल्कुल बेसिक से मैं मान के चलूंगा किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज एंगल। आई थिंक एंगल से बेसिक कुछ नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है दैट इज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द लाइन ट्रेस्ड, ठीक है, या फिर अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो अगर हम यहां देखें तो सपोज करो ये लाइन है हमारे पास ओ और एक्स, इसको अगर हम रिवॉल्व कराएं इस पॉइंट के अबाउट, तो ये रिवॉल्व करके कुछ ऐसा बना लेगी। तो ये जो एंगल इसने रिवॉल्व किया है, समझ रहे हो, ये एंगल जिसको मैं थीटा नाम दे रहा हूं, दिस इज द थीटा सिंबल, इट इज कॉल्ड एज थीटा, दिस इज द एंगल, समझ रहे हो, दिस इज द एंगल। तो ये थीटा क्या हो गया यहां पर, एंगल, तो दिस इज द एंगल। तो ये जो लाइन थी ओ एक्स, ये कितना घूमी किसी पॉइंट के अबाउट, दैट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, या फिर और एंगल एक्स डैश ओ एक्स, दोनों कितने हैं, थीटा है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो दो लाइंस के बीच में जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब ये जो थीटा है, तो एंगल देखो दूसरा पॉइंट है, एंगल कैन बी टेकन एज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? यस सर। तो देखो एंगल पॉजिटिव भी लिया जाता है और निगेटिव भी लिया जाता है। जनरली जनरली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है, एंगल टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो एंगल जो है वो टेकन एज नेगेटिव, समझ रहे हो? तो दो तरीके से एंगल्स को हम साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लाइन थी हमारे पास ओ एक्स, इसको जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं ओ पॉइंट के अबाउट, तो देखो एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा,
ये कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। और जब मैं इसी लाइन को, जैसे ये लाइन थी मेरी ओ एक्स, इसको जब मैं नीचे की साइड रिवॉल्व करूंगा, तो ये एंगल जो होगा उसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, समझ रहे हो। तो एंगल जो है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज को। तो यहां मैंने क्लॉकवाइज को क्या लिया है, नेगेटिव, और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करो जल्दी से, ये है एंगल्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट जिसमें एंगल को मेजर किया जाता है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड नोट डाउन करने के लिए। सिंपल सी चीज है, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चलूंगा कि किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम, और अब हम देखेंगे यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट। तो देखो, जो यूनिट्स हैं उनके लिए 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर। पहला जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए, उस सिस्टम को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता है, राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल उसको लिया जाता है 90 डिग्रीज के बराबर, 90 डिग्रीज, डिग्रीज का सिंबल ये, डिग्री का सिंबल ये छोटा सा 0 ऊपर की तरफ। इसी तरीके से 1 डिग्री यहां पर इक्वल होती है 60 मिनट्स के बराबर, 60 मिनट्स। अब ये मिनट्स टाइम वाला नहीं है, ये किसका है, देखो मिनट का सिंबल क्या है, ये छोटा सा कोमा। मिनट्स यहां पर एंगल मेजरमेंट के काम आ रहा है, ना कि टाइम मेजरमेंट के। और वन मिनट यानी किसके बराबर है ये, 60 सेकेंड, और सेकेंड का सिंबल होता है डबल कोमा। आई थिंक 2 लेक्चर्स 2 और 3 लेक्चर्स, आयुष चेक कर लेना, ठीक है। सब वीडियो रिकॉर्डेड डले हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा देख सकते हो। अच्छा, सेकेंड जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम था, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकेंड सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल होता है उसको हम मेजर करते हैं कितना, दैट इज इक्वल टू 100 ग्रेड। यहां पर ग्रेड्स आ गया, देखो डिग्री नहीं है यहां पर, ग्रेड्स हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ग्रेड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जी। तो ये ग्राम नहीं है, दीज आर ग्रेड, क्योंकि ये एंगल्स को मेजर कर रहे हैं ना कि मास। और यहां वन ग्रेड जो होता है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी, 1 ग्रेड इसको बोलते हैं 100 मिनट्स के बराबर, 100 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स का सिंबल तो मैं पता ही चल गया, और 1 मिनट की अगर हम बात करें यहां पर, तो दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो 1 मिनट, ठीक है, ये 1 ग्रेड था, ये 1 मिनट है, तो दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये यूनिट्स है, ये आपको याद रखनी होंगी, ये हमने नहीं बनाई है,
ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है लंदन या यूरोप में, उन वहां पर डिसाइड किए जाते हैं ये सारी चीजें। ये दो सिस्टम है, इसके अलावा एक और सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर जस्ट फॉर द नॉलेज, ये आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। नोट डाउन करो और जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, जिससे हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, ये याद रखना कि मिनट जो है वो एंगल के लिए भी होता है और टाइम के लिए भी होता है, और दोनों जगह अलग अलग है। और अब हम देखेंगे थर्ड सिस्टम। हाँ, अब हम देखेंगे थर्ड सिस्टम जिसमें एंगल को मेजर किया जाता है। तो जो थर्ड सिस्टम है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और इसमें जो मेजरमेंट होता है वो होता है कि जो राइट एंगल है, दैट इज अ राइट एंगल, इसको लिखते हैं पाई बाय टू रेडियन। रेडियन का सिंबल होता है ये छोटा सा सी, और वन रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज, यानी 180 अपॉन पाई डिग्री थर्ड, ठीक है। और अगर तुम उल्टा करना चाहो तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, चलो उसको तो हम छोड़ ही दें, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा अगर हम उल्टा करें तो 1 डिग्री, ये था 1 रेडियन और ये है 1 डिग्री, तो रेडियन में करोगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो दिस, ठीक है, तो दिस इज द थर्ड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जरा देखो, फॉर द सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम अगर हम बनाए तो एक सर्कल हमने बनाया, अरे एक मिनट ढंग से बना देता हूं, ये सर्कल हमने बनाया और ये इसका सेंटर, और ये हमारी इनिशियल लाइन थी, और मैंने इस लाइन को रोटेट कराया यहां तक एक्स डैश, दिस इज द पॉइंट ओ, तो ये एंगल कितना आया थीटा। तो ये जो थीटा मेजर होता है, मतलब एंगल, अगर हम सर्कुलर सिस्टम में देखें तो एंगल थीटा इज इन रेडियन एंड दैट इज इक्वल टू ये जो आर्क दिख रही है, ये जो आर्क लेंथ है, एंड डिवाइड बाय रेडियस, तो दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है, यानी डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम फॉर द सर्कुलर सिस्टम देखें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, इन अ सर्कल। तो एंगल किसमें मेजर होता है, एंगल होता है रेडियन में, ठीक है। और आर्क और रेडियस की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, दोनों की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, या तो मीटर मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन सर्कुलर सिस्टम के लिए एंगल को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है। सो अगर मैं यहां से देखूं पूरा, अगर मैं रोटेशन करता हूं फॉर द फुल रोटेशन अगर हम फुल रोटेशन करते हैं तो मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है ये कितना एंगल बनाएगी डिग्रीज में, थ्री सिक्सटी डिग्री। तो ये 360 डिग्री बनाएगी पर
अगर मैं ये एंगल रेडियन में कैलकुलेट करूं इन द रेडियन फॉर द फुल रोटेशन, तो फुल रोटेशन के लिए आर्क कितना कवर किया इसने, 2πr, और रेडियस कितना आया 2π, तो इसका मतलब है एंगल जो इसने कवर किया है वो 2π रेडियन कवर किया है। तो ये फॉर द फुल रोटेशन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये डिग्रीज में कितना है, डिग्रीज में अगर देखें तो 360 डिग्री, तो यहां से हमें क्या मिल गया, सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये चीज आप याद रखो, 180 डिग्री किसके बराबर आ गया, पाई रेडियन के बराबर, जो चीज हमने यहां लिखी है। देखो अभी मैं बताता हूं, 1 रेडियन इक्वल टू कितना है, 180 अपॉन पाई, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, वो हमने यहां से निकाला विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। नोट करो इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पर सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की डेफिनेशन है वो तुम्हें याद रखनी है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। ठीक है, तो ये जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, ओके। ठीक है, इसके बाद तो ये तो हो गई एंगल्स की बात, तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला पूछता हूं मैं आपसे, 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। सेकंड पूछता हूं मैं, 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। चलो बताओ जल्दी, लास्ट पूछ लेता हूं, 2π/3 रेडियन, बाकी करने का। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, निकालो निकालो सब लोग जल्दी से, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। सभी लोग निकाल के रखो, सिंपल सा है, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, हेंस 120 डिग्री इज इक्वल टू π/180 - 120 रेडियन, कितना आ जाएगा 2π/3 रेडियन। ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन, यूनिटरी मेथड, सिंपल, कि एक के पास कितना है इतने के पास कितना होगा, तो इसका आंसर आ गया 2π/3 रेडियन। इसका बताओगे कितना डिग्री आएगा, 270 डिग्री, बिल्कुल सही है, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, हेंस कितना है 3π/2 रेडियन, तो 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू 3π/2 × 180 डिग्री, ये कितना हो रहा है 270 डिग्री, तो आंसर आ गया इसका 270 डिग्री। इसका कितना आ रहा है 5π/3, सिमिलरली सी वाले का, तो 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये 300 डिग्री, और 90 डिग्री कितना हो गया 5π/2 रेडियन, सिंपल था। खत्म, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है, अगर हो गया है तो डन करके कमेंट करो जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं।
सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सेंटेसिमल सेक्टेसिमल ये नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल यूनिटरी मेथड। चलो ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, दीज आर द फोर सेक्शन, ठीक है, विच डिवाइड द प्लेन इंटू फोर इक्वल पार्ट, विच डिवाइड द प्लेन इंटू फोर इक्वल पार्ट। तो जैसे अगर कोई हमारे पास प्लेन है, सपोज दिस इज द प्लेन, ठीक है, चलो यही देख लेते हैं, पूरा बड़ा सा बना लेता हूं। तो मान लो ये हमारा प्लेन है, इसको अगर मैं चार इक्वल पार्ट में बांटू तो कैसे बांटूंगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द वर्टिकल, ठीक है, ये कौन सी है, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो दो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ, तो ये एक्सिस कहलाती है, क्या कहलाती है, ये एक्सिस, ये वाला जो क्वाड्रेंट, ये वाली एक्स एक्सिस कह देते हैं हम, ये वाली वाई एक्सिस कह देते हैं, और ये होता है 0.0 जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बिल्कुल, एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, तो ये माइनस वाई। तो जब ऊपर जा रहे हो तो प्लस वाई आएगा और नीचे जा रहे हो तो माइनस, ठीक है। तो दिस क्वाड्रेंट अगर मैं यहां पर एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट लेता हूं, दिस इज द कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो यहां पर एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव, और वाई भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड जाओगे तो एक्स पॉजिटिव मिल रहा है और इस साइड जाओगे तो वाई पॉजिटिव मिलेगा, यानी यहां पर अगर तुम पॉइंट बना रहे हो तो दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे हैं, दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव है। तो दिस क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं कोई दूसरा, तो ये x कॉमा वाई अगर लूंगा तो x कैसा आएगा, नेगेटिव, और y कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। और यहां अगर देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x और y दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां अगर देखते हैं एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कैसा है, निगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें, ठीक है, एंगल्स, तो ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक, ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम थीटा देखें, तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक। इसी तरीके से ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। इसी तरीके से जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट चालू होगा यहां से, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, और यहां तक जाओगे तो ये कितना है, 180 डिग्री, ये है जीरो डिग्री। तो यहां जो थीटा होगा वो जाएगा कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूं, तो जल्दी से बताओ मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होगा एंगल, 270 डिग्री। हाँ, 180 से चालू होगा और 270 तक जाएगा। और ये बता दो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक होगा, 360 डिग्री। बिल्कुल, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, बिल्कुल सही है, नोट डाउन करो इसको, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। और फिर से अगर हम 360 के ऊपर चले गए,
तो देखो यहां से 360 के ऊपर जाओगे तो अगला एंगल कौन सा मिलेगा, यहां पर 450 डिग्री। फिर 450 में 90 ऐड करो तो कितना मिलेगा, 450 प्लस 90 दैट इज 540 डिग्री। फिर 540 में 90 ऐड करो तो यहां अगर पहला था 270 तो 540 और 90 अगर करोगे तो 630 डिग्री। हाँ, और फिर घूमोगे तो 360 यहां पर पहला था, दूसरा मिलेगा कितना 720। तो ऐसे ये चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, ये हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लॉकवाइज में जाओगे तो माइनस साइन लेना होगा। तो अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज में जाता तो बता फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक होता अगर मैं क्लॉकवाइज लेता तो। क्लॉकवाइज के लिए अगर मैं जाता तो यहां पर मिलता मुझे माइनस नाइन्टी डिग्री। यहां तक कितना था, जीरो। फिर अगर मैं और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहां माइनस नाइन्टी था तो यहां कितना होगा, माइनस 180। यानी सारे एंगल सब माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये देखना होगा और कुछ नहीं, कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। नोट डाउन करो और जैसे ही हो जाए मुझे बताओ। तो इस साइड ओरिजिन के इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस साइड जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे निगेटिव। तो दीज आर द क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो बता दो जल्दी से। Tell in which quadrant the following angle lies. पहला है, चलो देता हूं मैं जल्दी से, -120 degree। दूसरा +240 degree। तीसरा -830 degree एंड डी पार्ट -960 degree। चलो इसको माइनस में कर लेना, -960। बताओ भाई -120 degree कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, -120 degree कैसे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां से जाएंगे ऐसे में तो क्लॉकवाइज जाना होगा, तब तो हम लेंगे -120 degree। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल सही है, आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। +240 थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, +240 ऐसे में जाओगे, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, समझ रहे हैं? तो दिस इज 240 degree। कहां से आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड का आंसर भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा 830 degree सेकंड क्वाड्रेंट। 830 देखो, 720 तो यही हो गया था, एक बार घूमने के मतलब दो बार घूम लिया, एक बार घूमे तो 360, दूसरी बार घूमे तो 720। और अब अगर मैं घूमता तो 720 में 90 ऐड कर दो कितना आता, 810। और 810 में और 90 ऐड करो तो 900। तो 830 कहाँ आ रहा है, 830 आ रहा है बीच में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, 830 डिग्री लाइज इन सेकंड। इसको और कैसे चेक कर सकते थे 830 को,
अगर हमें चेक करना है तो देखो 830 को आप क्या लिख सकते हो, 360 का कितनी बार मल्टीपल, 360 इंटू 2 720 बन गया, और 720 में कितना ऐड कर दो, प्लस 720 में 90 ऐड कर दो तो कितना बन गया 810, और तो यहां अब कितना बचा 20 डिग्री। तो ये तो आ गए हम घूम फिर के वहीं पर, ये आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पार कर लिया, और ये आ गए अब हम सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा अब लास्ट पार्ट पूछता हूं, ठीक है लास्ट पार्ट जैसे कितना था -960, बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। चलो देखते हैं -960 यहां से घूमे यहां गए 360 हो गया, फिर घूमे फिर गए कितना हो गया 720 के बाद घूमे तो ये माइनस में चल रहे हैं हम क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये कितना हो गया 810, इसके बाद फिर 90 घूमे 900 और फिर हम 60 और घूम लिए तो ये हो गया हमारा माइनस का 960। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन ऐसे देखोगे तो कब तक बनाते रहोगे? मान लो कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो कब तक बनाओगे? तो हमें क्या करना होगा, कोई अच्छा तरीका ढूंढना होगा। तो हम क्या करें, मल्टीपल्स में देखें। माइनस 960 अगर देखो तुम जल्दी जल्दी, तो माइनस 960 को अगर तुम 90 से डिवाइड कर दो, 90 से डिवाइड अगर करोगे तो देखो कितना आएगा, 910 जा और 60 बन रहा है, मतलब 910 जा 90.6, तो दैट इज 10.5 समथिंग आएगा। यानी 10 रोटेशन तुमने कितने के कर लिए, 90 के कर लिए, और बचा कुछ हाफ रोटेशन या हाफ से कम, हाफ से ज्यादा, समझ रहे, हाफ से ज्यादा कुछ आएगा। तो 10 रोटेशन अगर पूरे कर लिए तो कहां तक पहुंच गए, एक बार में कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 4। तो 10 करने के लिए कितने हो गए, एक बार में 4 फिर 4 तो 8 हो गए, 8 के बाद 2 चले और 2 के बाद कुछ और चले तो कितना आ गया, 10.53 रोटेशन कंप्लीट हो गए, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ट्रिक मान के चल सकते हो कि हमने क्या किया है, माइनस 960 को डिवाइड कर दिया 90 से, तो कितना आया 10.53। इसका मतलब है 10 जो है, 10 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स आपने कंप्लीट किए, 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स कंप्लीट किए, और फिर ये आधे से ज्यादा क्वाड्रेंट आपने कंप्लीट किया है। किसी को कोई डाउट है इस ट्रिक में तो पूछो, ट्रिक क्या है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है सर। हाँ हाँ तो ये आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है सर। ये कह रहा हूँ सर, जैसे 90 डिग्री है और 120, ये 180 डिग्री है सर, इन्हें किन क्वाड्रेंट में कहेंगे सर? किन दोनों को, 120 डिग्री को? नो सर, 180 डिग्री 90 डिग्री सर। अच्छा अच्छा, इनको इनको क्वाड्रेंट्स में नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे लाइज ऑन द एक्सिस। अच्छा सर, ओके सर, समझ रहे, चलो ओके सर, थैंक यू, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स इनको नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगाना जरूरी होता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, डन, तो फिर लिख कर भेजो, फिर मैं हटाऊं इसको। हटा दूं, ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, देखो बहुत इजीली हम खेलते खेलते ही सीख रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। चलो, तो ये थे क्वाड्रेंट्स एंड एंगल, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, दिस इज अवर नेक्स्ट हेडिंग।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द रेशियोस ऑफ द साइड्स ऑफ एंगल ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दीज आर द रेशियोस ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, इन एनी क्वाड्रेंट, इन एनी क्वाड्रेंट. तो कितने टाइप के रेशियोज होते हैं जरा देखते हैं. सपोज करो फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर द एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने ए बी सी. ठीक है, अब जरा देखो मैंने ये एंगल लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बनेगी बेस और ये बनेगी हाइपोटेन्यूज. अगर मैं ये थीटा लेता, अगर मैं ये थीटा लेता तो ये बनती परपेंडिकुलर और ये बनती बेस और ये बनेगी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो मैं इसको थीटा वन कर देता हूं. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑलवेज एंगल के सामने वाला जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में उसको परपेंडिकुलर लिया जाता है. ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, कई लोग गलती करते हैं इसमें. ठीक है, तो अगर हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देखो मैं पहला देख रहा हूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा ये वाला लिया है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. और परपेंडिकुलर यहां पर कौन सी साइड है, बीसी, और हाइपोटेनियस कौन सी है, ए. इसी तरीके से सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस होता है यहां पर एबी और हाइपोटेनियस है कितना, एसी. इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है दैट इज एबी. ठीक, और फोर्थ दैट इज सेक थीटा, सेक थीटा की अगर बात की जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब उल्टा हो रहा है. देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, देख रहे हो, वन अपॉन कॉस थीटा. ओके, एक मिनट, गलती कर दी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तभी तो वन अपॉन कॉस थीटा आएगा. तो हाइपोटेनियस क्या है, एसी, और बेस कितना है, एबी. ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ जो है दैट इज कॉसेक थीटा, कॉसेक, cosec theta that is equal to hypotenuse upon perpendicular और ये हो जाएगा किसके बराबर, वन अपॉन साइन थीटा के बराबर. तो साइन थीटा मतलब bc अपॉन ac अपॉन bc. और एक और बचता है लास्ट सिक्स्थ, that is equal to cot theta और cot theta होता है बेस अपॉन perpendicular That is equal to 1 upon 10 theta. ठीक है, तो that is equal to AB upon BC. Note down कर लो, सिंपल सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली चीज कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे. ये दोनों चीजें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल. जैसे ही हो जाए कमेंट करना.
ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, याद रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइंड होते हैं, किसी और ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, तो नोट डाल के लिख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, और नेक्स्ट हेडिंग है साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट देखता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, ये थीटा मैंने ले लिया, तो देखो ये जो है थीटा, अगर मैंने ये लिया है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो हमारा ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो बेस तो हमारा निगेटिव ही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो चलो देखो ये थीटा टू ले लो, ये थीटा वन, ये थीटा थ्री और ये थीटा फोर, तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, निगेटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव। तो जल्दी से बताओ अब मुझे, तुम ही लोग बताना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आप चाहे कोई भी साइड का रेशो ले लेना, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही मिलेगा। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट मुझे बताओ कौन सा निगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव? सर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कॉस और सेक, देखो जिनमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बिल्कुल सही है, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, समझ रहे हो, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है कि क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, बता दो सर एक बार। बता देता हूं, तो देखो जरा ध्यान से, अगर तुम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करो तो कॉस थीटा जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कैसा है, निगेटिव, और हाइपोटेनियस कैसा है, पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा क्या बनेगा, फाइनली निगेटिव। लेकिन अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करो तो चाहे तुम कॉस थीटा ले लेना या साइन थीटा ले लेना या टेन थीटा ले लेना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो रेशोज भी क्या आएंगे, सब पॉजिटिव। और sec थीटा cosec थीटा cos थीटा तो क्या है, इनके रेसिप्रोकल ही है, तो जो साइन इनका होगा वही इनके रेसिप्रोकल का होगा। ये बात क्लियर है अब? यस सर। तो अगर मैं यहां साइन थीटा देखूं तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया।
तो अब जरा मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट का क्या सीन होने वाला है? टेन एंड पॉजिटिव, अदर एंड टेन पॉजिटिव होंगे और बाकी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बता दो। सर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। बिल्कुल सही है। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, लेकिन जिस जिस में परपेंडिकुलर आ गया वो सारे नेगेटिव बन जाएंगे। तो टेन थीटा में आता है नेगेटिव, परपेंडिकुलर आता है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर आता है, तो सारे रेशियोस कैसे हैं? नेगेटिव। सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। जैसे ही हो जाए कमेंट करो। हटा दो। ठीक, तो ये थे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फंडामेंटल रिलेशंस, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशंस काफी जरूरी हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और दिस इज हाइपोटेनियस, ए बी एंड। सो पहला तो तुम्हें याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये याद रखना है पहला रिलेशन। दूसरा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कैसे निकालेंगे? ड्राइव करेंगे इसको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज वन। ठीक है, अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन थीटा स्क्वायर लिख सकता हूं? ये दोनों बराबर है या नहीं है? नो सर, नहीं है। बिल्कुल सही है, दीज आर नॉट इक्वल। अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? यस सर। हाँ ये बिल्कुल सही। तो इन चीजों का ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज पूछता हूं लास्ट। साइन थीटा बाय टू दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय टू, क्या ये सही है? नो सर। नो सर, ये भी बिल्कुल, ये बराबर नहीं है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार गलतियां करते हैं, उनको नहीं करना है, समझ रहे हो? ये अलग है, ये एंगल के अंदर डिवाइड है और ये पूरा साइन थीटा डिवाइड है टू से, दोनों चीजें अलग अलग। तो ये डेरिवेशन किया है हमने इस वाली आइडेंटिटी के लिए, और थर्ड अगर आइडेंटिटी में पूछूं आपसे तो आप इसी तरीके से ड्राइव कर सकते हो, sec square theta minus tan square theta equal to 1, and fourth one, इसी तरीके से अगर हम cosec की आइडेंटिटी लिखें तो cosec square theta minus cot square theta equal to 1। तो इनके डेरिवेशन तुम खुद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नोट डाउन कर लो, ये कुछ चार चीजें हैं जो बेसिक पता होनी चाहिए, हम निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी।
जैसे ही हो जाए बताना, कमेंट करना। ठीक, ठीक है। अब जरा देखो, नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और पहला लिखेंगे प्रॉपर्टीज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्रॉपर्टीज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझते हो, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स वो सम इक्वल टू 90 डिग्री। सो इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा वन एंड थीटा टू आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर। तो हम पहली एडिंग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन ये होती है। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ठीक है, जरा देखो ध्यान से, मैं लिखने जा रहा हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये बनेगा, साइन का ध्यान रखो देखो, प्लस ये भी प्लस, सी पार्ट टेन ऑफ 90 माइनस थीटा ये बनेगा प्लस का कॉट थीटा। इसी तरीके से डी पार्ट कॉसेक, कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, sec of 90 माइनस थीटा प्लस का cosec थीटा, f cot of 90 माइनस थीटा दैट इज प्लस का tan थीटा। ध्यान रखो यहां पर 90 माइनस थीटा जो एंगल है, 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो sin, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से सारे रेशोस पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए यहां पॉजिटिव मिल रहा है सब, ठीक है। और अगर तुम यहां पर प्लस साइन लगा दो, चलो पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, तो ये प्लस साइन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है। सर इसमें ये रेशियोस क्यों चेंज हो गए? चेंज हो गए बिल्कुल, मैं बताऊंगा कैसे, अभी मैं ड्राइव करवाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि क्यों चेंज हो रहे हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। इसका लॉजिक थोड़ा सा यहां से समझ सकते हो कि लॉजिक जो है, मैं यहां लिखवा रहा हूं लॉजिक। अगर तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, दिस इज थीटा, दिस इज 90, देन दिस इज 90 माइनस थीटा। तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम ये थीटा लेते हो तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, और ये बेस रहेगा। लेकिन अगर तुम 90 माइनस थीटा को कंसीडर करोगे तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, समझ रहे हो? और ये हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगी। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
समझ रहे हो? जैसे यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज द साइड ए बी एंड सी, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन ए सी। लेकिन यहां से जब मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं, तो देखो एक मिनट सुनो, यहां से जब मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, बेस, बेस कितना है ए बी और हाइपोटेनियस कितनी है ए सी। लेकिन जब मैं यहां साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा जब मैं लिख रहा हूं यहां से, तो ये मेरा क्वांटिटी जो ए बी है वो अब इधर आएगा और डिवाइड बाई ए सी इधर आएगा। तो देखो ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा के बराबर है और ए बी अपॉन ए सी यहां साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के बराबर। ये चीज क्लियर हुई है या नहीं बताओ? यस सर, ओके सर। समझ रहे हो? इसीलिए चेंज हो जाता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता, चलो ये नोट करने के बाद जल्दी से मुझे डन करके भेजो, डन लिखकर भेजो। ओके चलो वेरी गुड। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी वन थी ये और अब मैं प्रॉपर्टी टू बोल रहा हूं, 90 प्लस कर रहा हूं सब जगह, ध्यान रखना यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं सब जगह, मैंने प्लस कर दिया। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं हम? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पहुंच गए तो साइन कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? कैसा होता है साइन? पॉजिटिव। तो यहां आएगा पॉजिटिव का साइन। कॉस कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो यहां आएगा नेगेटिव का साइन। और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा। कॉसेक पॉजिटिव रहता है, sec नेगेटिव रहेगा, cot भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट 90 माइनस थीटा वाली, प्रॉपर्टी सेकंड 90 प्लस थीटा वाली। नोट डाउन करो जल्दी से। हो जाए जल्दी से तो बताना। डन। सर कैन यू रिपीट अगेन? देखो ये 90 प्लस थीटा है ना, तो हम कहां पहुंच चुके हैं? हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो देखो रेशियो तो चेंज हो रहा है लेकिन साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है? नेगेटिव। समझ रहे हो? टेन कैसा रहता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने पिछले वाले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था। हाँ बताओ क्या दिया था मैंने? पाइथागोरस थ्योरम। नहीं सर, आपने कुछ इक्वेशंस दिए थे जिसके हमें जीरोस निकालने थे। हाँ क्या क्या इक्वेशंस थी बताओ जल्दी से। वेरी गुड आंसर। अच्छा सभी लोग अपना अपना होमवर्क मुझे सेंड करोगे? सेंड ऑन नंबर दे रहा हूं मैं, इस पर सेंड करना। नंबर नोट कर लो मेरा है ये, इस पर सभी लोग अपना होमवर्क सेंड कर देंगे। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। जो लोग नए हैं, एनी न्यू स्टूडेंट, माइक ऑन करो। कोई है नया? नहीं है। तो ये नंबर है मेरा, इस पर सभी लोग सेंड करेंगे। योग। हाँ ठीक है योग। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर
रोकते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. मी ऑल्सो कौन है? मी ऑल्सो, हाँ भेज देना होमवर्क, प्रीवियस लेक्चर देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है, उसमें मिल जाएगा तुम्हें होमवर्क और बाकी चीजें इसके आगे की, ठीक है, हम बाद में देखेंगे. लेकिन आज की क्लास का जो होमवर्क है वो और नोट डाउन कर लो. तो होमवर्क, होमवर्क है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस. तो 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 120, 150, 180 और ठीक है 240, 270 एंड देन 330, 360 degree. इनको कन्वर्ट करना है तुम्हें रेडियंस में और ये इंपॉर्टेंट एंगल्स है, समझ रहे हो. एक स्पेशल एंगल्स भी पूछते हैं, स्पेशल एंगल्स में है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, इनको भी कन्वर्ट करके रखना. ये स्पेशल एंगल्स है, कई बार पूछते हैं. चलो तो ये होमवर्क है आज की क्लास के लिए, तुम्हें इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है और याद रखना है क्योंकि ये एंगल्स बहुत बार यूज होते हैं ड्यूरिंग द फिजिक्स.